अस्सलाम वालेकुम। आज फिर MGT503 एक और कोर्स के साथ आपके सामने हाजिर। लेसन नंबर वन, आज हम मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, लेकिन स्टूडेंट जो हैं इसको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए तो बहुत मुश्किल सा बना हुआ है सब्जेक्ट। इंशाल्लाह इसको बहुत ही इजी वे के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। इजिप्शियन पैरामिड किसे कहते हैं जी? ठीक है जी, उसने कहा था ये इजिप्शियन जो पैरामिड है ना जी, ठीक है, ये आप देखें अप्रोक्सीमेटली उसने बताया कि इसके लिए उसने कहा जी 4000 BC से 525 BC तक इस पे काम होता रहा, ठीक है, इसमें इतने पत्थर लगे, ठीक है, लाखों वर्कर। ये एक प्रोजेक्ट था मैनेजमेंट का कि यहाँ पे इजिप्शियन जो पैरामिड है उसके बारे में आप सर्च करें, ठीक है। ये जस्ट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है, क्वेश्चन वगैरह नहीं आएगा इसमें, सिर्फ इसमें मैनेजमेंट भी बता रहा है कि इतनी प्यारी है कि वो इतना अरसा था, लाखों मजदूर लगे, इतने पत्थर लगाए, तो इसकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी थी, ठीक है। इसी तरह ग्रेट चाइना वॉल ले लें, ठीक है, कितनी वाइड कितनी थी, ठीक है, टॉप कितनी थी, ठीक है, ये दीवार कितनी मजबूत कितनी थी, एरिया कितना डिफेंड था, प्रोटेक्ट कितनी थी, ठीक है, इसमें भी मैनेजमेंट की बात हो रही है, ठीक है, कि उस बंदे ने कितनी मैनेजमेंट की है कि इस पे काम करने के लिए इस पे कितना उसने वर्क किया है, कि कितनी कमाल की मैनेजमेंट है। एक एडम स्मिथ, ठीक है, उसने एक किताब लिखी थी, ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, इसमें भी मैनेजमेंट के असूल, बड़ी ये कमाल की किताब है अगर आप इसको पढ़ें, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है जी, ये आपने बस जस्ट रीड आउट कर लेना। हाँ जी, यहाँ से हमारी असल बात शुरू होती कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है जी, ठीक है जी, जिसमें दो हम बात करेंगे, दो या दो से ज़्यादा लोग, ठीक है, काम करते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है जी। चलें अब इसको ज़रा हम समझते हैं। चलें ऐसे कर लेते हैं तो कुछ ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, जिसमें वो ये कह रहा है टू आर मोर पर्सन, ठीक है, क्या करते हैं दो या दो से ज़्यादा लोग वर्क करते हैं, ठीक है, फॉर कॉमन पर्पस, उनका पर्पस होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी सिंपल सी डा, दो या दो से ज्यादा लोग एक खास मकसद के लिए जो काम करते हैं उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी मैनेजमेंट है, जैसे कि हॉस्पिटल है तो उसको चलाने के लिए भी एक मैनेजमेंट की बात कर रहा है, ये इसकी जी एग्जांपल है, ठीक है, तो उसमें भी एक मैनेजमेंट, जाहिर बात है इसमें भी तो एक मैनेजमेंट होगी ना, ठीक है। इसके बाद आप जैसे कि कोई चर्च है, ठीक है, कोई मॉस्क है, ठीक है, तो इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है जी। आई थिंक मेरे ख्याल में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पे भी दी हुई है, ठीक है, ये देखें इसको, ये भी डेफिनेशन है, अगर आप ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। टू और मोर पर्सन आर वर्किंग टुगेदर फॉर सम पर्पस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज। इसमें कौन कौन से चार लोग होते हैं, पीपल होती हैं जी, ठीक है, जाहिर बात अगर लोग होंगे तो कोई ना कोई पर्पस होगा,
पर्पस होगा तो उस पे प्रोसेस भी होगा, ठीक है। पोल का इसी चीज़ को कहते हैं जी, आगे आप देखेंगे ना, पोल का स्टैंड फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो कहता है इन चारों के साथ ये अश्योरेंस भी इसकी ज़रूरी है कि हाँ भाई ये काम हमने करना ही करना, ठीक है जी। ये हमारा लेक्चर था जी 1 MGT503 का, ठीक है जी। और इसके बाद हम मूव करेंगे लेक्चर नंबर 2 की तरफ। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट